इसको योग शास्त्र में बोलते हैं फोर्थ लेवल ऑफ कंडीशन फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इसको संस्कृत में बोलते स्टेट, इससे आगे कैसे जाओ? इसके आगे कैसे इसके है लेकिन ये तो बहुत ऊंची हालत है एंजॉय करो मालिक की कृपा से हो जाएगा लेकिन साइंटिफिकली इसकी स्टडी करें जब हम कॉन्शियसनेस के बारे में तो हम जब जागते काम करते हैं तब तो हमारी एक अवस्था होती है कॉन्शियसनेस की जितना भी फास्ट सोचते हैं इतना फास्ट मन चलता है तो इलेक्ट्रिकल जो फायरिंग ब्रेन में होती है वो भी फास्ट होती है उसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी बदलता रहता है वो भी फास्ट होएगा तो वो हम मेजर कर सकते हैं जब हम कुछ पढ़ते हैं या कुछ चीज एंजॉय करते हैं तो हमारी सोच दीमी हो जाती है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत स्लो हो जाती है स्वप्न अवस्था में कुछ अलग होती है जब हम डीप स्लीप हो जाते हैं सुसुप्ति जिसे कहते हैं तो उसमें तीन से चार या पांच वेव्स आएंगे पर सेकंड राइट ध्यान में क्या होता है तूरिया स्टेट में जो आप बता रही हो वो हम मेजर करेंगे तो वो भी चार पांच होएगा ये yes, वेव्स सुसुप्ति में क्या होता है चार पांच वेव्स तो होएंगे लेकिन यू आर नॉट अवेयर दिन में चले जाते हो है हाँ जो हालत है वहां चार पांच होएगा बी फुल्ली अवेयर एंड दैट्स व्हाट यू गुड एंजॉय इट आई एम एंजॉइंग इट बट इसके आगे जाने के लिए या इस अवस्था को और अंदर में कैसे अरे इट्स ऑलरेडी वेरी हाई स्टेट मजा करो मालिक की कृपा से जो आएगा सो आएगा